मे आई कमिन सर? कमिन कमिन। बलराज सिंह जी। हाँ जी। कितों आए ने? फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर सर। की पढ़ाई शाई की? सर आई है पास्ट एमए इन पोलिटिकल साइंस। सर मैं कुछ गलत बोल देता? आ सर तुसी चुप कर गए हो। नो नो हले इंटरव्यू शुरू होने हैं, मिनिस्टर साहब आ रहे ने। सर पर इंटरव्यू तुसी नहीं लेनी? नहीं सर, चेयरमैन मिनिस्टर साहब है ना, नाले उन्होंने सामने अंग्रेजी नहीं माननी ज्यादा, तुहानू पता ही हो थोड़े घट पढ़े लिखे। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और कितना ठीक हो जी? सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल सत श्रीकाल सत श्रीकाल। भाई चांग भाइये करिए इंटरव्यू शुरू। हाँ करो 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 करो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? सर इट इज वेरी सिंपल, द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी सर, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं नहीं ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, टाइम तो पहुंच जाऊंगा। इन्हां नूं पंजाबी दसो। आ सर पंजाबी च असी डेमोक्रेसी नूं लोकतंत्र कह दिंदे आ। सर लोकतंत्र दी परिभाषा है लोकां दी सरकार, लोकां लई सरकार ते लोकां द्वारा चुनी हुई सरकार सर। चलो मैं भी एक सवाल पूछ लवां, जिवें कि तुसीं ओह लोकतंत्र दी गल कर रहे सी, यानी कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, जो भी तुसीं कह रहे ठीक ही कह रहे हो रहे ना। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी सर। नहीं जिहड़ा भारत दा लोकतंत्र है, कोई उदाहरण दिओ कोई। नहीं नहीं सर उदाहरण ते दे देवां, पर मैनूं लगदा तुसीं सर माइंड कर जाना सर। बहुत शान आ गए ने, कोई गुस्सा नहीं करदे सर। एक्चुअली मैनूं नौकरी दी बहुत जरूरत है सर, मैनूं लगदा जे मैं तुहानूं जवाब दे दित्ता ते सर तुसीं मैनूं लगदा बुरा मान जोगे सर। बेटा तेरी नौकरी पक्की, तू सवाल दा जवाब तो देना। चलो सर तुसीं पूछ रहे हो इंटरव्यू ते मैं दे ही दिना। सर भारतीय लोकतंत्र दी सब तो वड्डी उदाहरण यह है कि एक 10वीं फेल बंदा एमए पास दी इंटरव्यू लै रहा है।